वैष्णवों का आचरण ही वैष्णवों का अलंकार है। इसलिए शास्त्र में इस बात को हम लोग श्रवण करते हैं कि जो भगवान का भक्त है उस भक्त के हृदय में समस्त दैवीय गुण आकर के विराजमान हो जाता है। इंद्रादि देवताओं में जो 50 गुण बतलाया है, बलते वे सारी गुण भगवत भक्त के हृदय में अपने आप आ जाता है। श्रीमद्भागवतम से इस विषय को हम लोग श्रवण करते हैं कि यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणै तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत गुण मनोरथे न सतो धावतो बहि। कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जिनका केवल भक्ति है, निश्चला भक्ति विद्यमान है, उस भक्त के हृदय में समस्त गुणों के सहित देवतागण भी वहाँ अवस्थित रहते हैं, विराजमान रहते हैं। लेकिन जो अभक्त है, उस अभक्त, अभक्त मतलब जिसके हृदय में हरि भक्ति नहीं है, तो ऐसे हरि भक्ति विहीन हृदय में हमेशा नाना प्रकार के विषयों के प्रति आकृष्टता होने के कारण, विषयों के प्रति, असत्य वस्तुओं के प्रति उन व्यक्ति का मन धावित होने के कारण वो हमेशा उद्विग्न रहता है। और जो अभक्त है, विषयों के प्रति अत्यधिक उसका आकर्षण होने के कारण उन विषयों के द्वारा उसके मति को हर लिया जाता है। जिसके कारण जिसका मति हर लिया जाता है विषयों के द्वारा, फिर उसमें किसी प्रकार के सद्गुण आने का कोई संभावना नहीं रहता है। एक भक्त थे वृंदावन में, उनका नाम था हरिदास पंडित। वे कौन थे? वे हरिदास पंडित थे गदाधर पंडित जी के शिष्य थे श्री अनंत आचार्य, और ये अनंत आचार्य के शिष्य थे हरिदास पंडित ठाकुर। वे वृंदावन में रह करके श्री राधा गोविंद जी के सेवा करते थे, राधा गोविंद जी के सेवक थे। जिस राधा गोविंद जी को स्वयं रूप गोस्वामी जी ने प्रकट कराया था, वे राधा गोविंद जी के सेवा में वे हरिदास पंडित नियुक्त थे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वे हरिदास पंडित के गुणों को, उनके यश को वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि देखो, भगवान का सेवा करते करते, भगवान का भजन करते करते उस साधक के हृदय में कैसे सद्गुण अपने आप आ जाता है। सेवार अध्यक्ष श्री पंडित हरिदास तार जसोगुण सर्व जगते प्रकाश। भगवान का सेवा करते करते उनके हृदय में ऐसे सद्गुण आ गया, अथवा ऐसे भक्ति के गुणों से वे मंडित थे कि वे हरिदास पंडित के नाम सुनते ही समस्त जगत के लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। बल्कि सुशील सहिष्णु शांत वदान्य गंभीर मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर। सद वस्तु का संग करते करते सद वस्तु के जितने भी गुण है वे सब उस संग करने वाला के हृदय में अपने आप आ जाता है। कहते हैं ना,
कि जैसा संग करोगे वैसा ही रंग चढ़ेगा, है ना। असत संग करोगे तो असत संग प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के जितना भी अवगुण है वो उस संकारी के हृदय में आ जाएगा, लेकिन जो सत्संग करते हैं, साधुओं का संग करते हैं और जो लोग भगवान के भक्ति में युक्त होकर के भगवत सेवा करते हैं, भगवान के भी समस्त गुण उस भक्त के हृदय में अपने आप आ जाता है। इसलिए भक्तों के गुणों को वर्णन करते हुए सनातन शिक्षा में श्रीमन महाप्रभु जी महान महान गुण अपने आप आकर के विराजित तो हो जाता है। कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संचारे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण श्री कृष्ण का जितना भी गुण है वे सब भक्त के हृदय में। तो कबीराज गोस्वामी वहां बताते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी ने विस्तार रूप से तो वर्णन किया सनातन गोस्वामी जी के पास में जितने भी महान महान गुण है हरि भक्तों के हृदय में। तो वहां पर कबीराज गोस्वामी जी बताते हैं कि इतनी सारी को वर्णन करना तो असंभव है, मैं तो केवल दिग्दर्शन करने के लिए उन महान महान गुणों को स्पर्श कर रहा हूं। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार सम निर्दोष वदान्य मृदु सुचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण अकाम निरीह स्थिर विजित षड् गुण मित भूख अप्रमत्त मानद अमानी। और एक साधु का एक वैष्णव का स्वरूप लक्षण क्या होना चाहिए, स्वरूप गुण क्या होना चाहिए, वो बताते हैं कि कृष्णैक शरण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परिपूर्ण रूप से शरणागत होना ही उस भक्त का उस वैष्णव का ये स्वरूप गुण है, स्वरूप लक्षण है। और बाकी जो 25 प्रकार का बताया है वो तटस्थ लक्षण है, क्योंकि कृष्णैक शरण होने मात्र से ही समस्त प्रकार के जो तटीय गुण अपने आप आ जाता है। इसलिए भगवान कपिल देव माता देवो की जब उनको पूछते हैं कि हे भगवान आपने तो मुझे साधु संग करने के लिए बता दिया, लेकिन मैं किस प्रकार से जानूंगा कौन साधु है, किस प्रकार से मैं उसका संग करूंगा, वो नहीं बताओगे तो फिर कैसे होगा। तो भगवान कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूती को लक्ष्य करके साधु के लक्षण को वहाँ श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में बताते हैं। हम लोग संतों के मुख से प्रायशः इस विषय में श्रवण करते हैं कि तितिक्षवः कारुणिकः सहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषणः। और क्या कहते हैं कि मयि अन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति जे दृढ़ मत्कृते त्यक्तो कर्माणं त्यक्तो स्वजन बांधवः। इतना ही नहीं और आगे बताते हैं कि मदाशया कथामृष्टा श्रुण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः तयेते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगशेष्वतते प्रार्थ्य सर्वदोष हराहिते। बल्कि जो भगवान का भक्त होता है, जो साधु होता है, उसके तटस्थ लक्षण को वर्णन करते हुए कपिल देव भगवान बता रहे हैं कि जो लोग हरि कीर्तन करने वाले हैं, हरि कीर्तनकारी जो संत जन है वे परम सहिष्णु होते हैं। किस प्रकार के सहिष्णु होते हैं, हम लोगों ने काल विस्तार से श्रवण किया था कि वे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होते हैं, है ना।
वृक्ष जे न काटिले ह किछु ना बोलए सुखाया मैले करे पानी ना मागे। तो जो हरि कीर्तन करने वाला भक्त होता है वे इतने सहिष्णु होता है, और इतना सहिष्णुता का गुण हरि कीर्तन करते करते इसके हृदय में आ जाता है। और कहते हैं जितने भी अन्य अन्य जीव है, प्राणी है, सबके प्रति वे परम दयालु होता है। हम लोग श्रवण करते हैं कि जीवे दया नामे रुचि सर्वधर्म सार। जीवों के प्रति अगर दया का भाव नहीं है और वे व्यक्ति दिखाता है कि मैं कितना नाम करता हूँ, कितना नाम में मेरा रुचि है, नहीं ऐसा है। दोनों ही एक दूसरे से व्यतिरेक भाव से स्थित नहीं हो सकता है। जीवों के प्रति दया तभी होगा जब भगवान के नाम संकीर्तन में उसका मति लगेगा, और भगवान के नाम संकीर्तन करते करते जीवों के प्रति एक स्वाभाविक दया का भाव, आर्द्रता का भाव उसके हृदय में आ जाता है। क्योंकि जो हरिनाम संकीर्तन करने वाले साधक है वे कभी भी किसी के अमंगल नहीं चाहते हैं, वे सदा सर्वदा सबके मंगल ही चाहते हैं, सबके नित्य मंगल का ही प्रार्थना करते हैं। इसलिए वहाँ कहते हैं वे हरि कीर्तनकारी जो भक्त होता है, जो संत होता है, वो इसी दृष्टि से सब जीवों के का मंगल चाहता है, सब जीवों का को प्रति दया भाव रखता है कि किसी ना किसी प्रकार से, चाहे अन्वय भाव से हो चाहे व्यतिरेक भाव से हो, प्रत्येक जीव भगवान से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक जीव भगवान का सेवक है। तो प्रत्येक जीव भगवान का सेवक के रूप में देखने के कारण उस साधक के हृदय में कभी भी हिंसा का भाव, वैमनस्यता का भाव नहीं आ सकता है। जैसे हम लोग श्रवण करते हैं, क्या श्रवण करते हैं कि गुरुर सेवक होए मान्य अपनार, कि गुरुदेव के चरण आश्रय करने वाले प्रत्येक साधक ही गुरु का सेवक होता है। केवल गुरु के साथ में रहना, गुरु के साथ में रहने से ही गुरु सेवा होता है, ऐसी बात नहीं है। गुरु के चरण आश्रय करने मात्र से ही गुरु सेवा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरु सेवक होने के कारण, गुरु के सेवक के ज्ञान रखने के कारण हम सब लोग एक दूसरे को सम्मान सूचक शब्द प्रयोग करते हैं, प्रभु बोल के, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको प्रभु के रूप में इसलिए सम्मान करना चाहिए क्योंकि हम सब गुरु के सेवक हैं। इसी प्रकार अन्वय रूप से हो या प्रतिके प्रतिरिक भाव से हो, प्रत्येक जीव भगवान का सेवक है। और ये कौन देखता है? जो हरि कीर्तन करने वाले संत होते हैं, भक्त होते हैं। इसलिए वे ना तो मन से, ना तो वाणी से और ना ही शरीर से किसी भी जीव के प्रति कष्ट देना नहीं चाहते हैं, कष्ट नहीं देते हैं, वरम कष्ट को स्वयं सहन कर लेते हैं लेकिन अपने के कारण दूसरे को कष्ट नहीं देते हैं। ये साधु का एक गुण है, क्योंकि संत जन कभी भी किसी को शत्रु के रूप में नहीं देखते। अभी अजात शत्रुव है, जो अजात शत्रुव है, जो किसी को शत्रु के रूप में कभी देखता भी नहीं है, वास्तव में देखना, वही व्यक्ति ही शांत रहता है, निर्मल चित्त रहता है। और जब शत्रु बना लोगे, अगल बगल में किसी को शत्रु के रूप में देखोगे तो तुम्हारा चित्त हमेशा उद्विग्न रहेगा, अशांत रहेगा, है ना? इसलिए संत जन का कोई शत्रु नहीं होते हैं, जिसके कारण संत लोग शांत होते हैं।
इसलिए ये जो शास्त्र के अनुवर्ती जो गुण है, सुशीलता रूप जो गुण है, सुशीलता और शास्त्रानुवर्ती, ये दोनों गुण के द्वारा ही साधु सुसज्जित है, वे साधु के भूषण स्वरूप है। आगे से भगवान कपिल देव साधु के स्वरूप लक्षण के बारे में बताते हैं कि जो मेरा भक्त है विषयों के प्रति लेश मात्र भी आकर्षित नहीं होकर के वो संपूर्ण रूप से मेरे चरणों का आश्रय ग्रहण करता है। किस प्रकार से आश्रय ग्रहण करता है? बोलते हैं एकनिष्ठ रूप से, केवल मेरे चरणों के प्रति ही निष्ठाजुक्त होकर के वे भक्ति करता है, निष्ठाजुक्त होकर के सेवा करता है। सेवा भी किस प्रकार से? स्वयं के सुख के इच्छा से नहीं, बल्कि मेरा किस प्रकार से सुख होगा, मेरे सेवा सुख तात्पर्य को लेकर के वो सेवा करता है। उस सेवा के मध्य में स्वयं के सुख का लेश मात्र भी आशा नहीं करता है। आशा किस लिए नहीं करता है? क्योंकि मेरे सेवा सुख में निमज्जित होने के कारण वे भक्त अपने समस्त प्रकार के कर्मों को त्याग देता है। ना ही केवल कर्मों को त्याग देता है कि त्यक्ता स्वजन बांधवा, वे अपने स्वजन बांधव तक को त्याग देता है, घर परिवार तक को त्याग देता है, अपने कर्तव्य कर्म तक को भी त्याग देता है। किस लिए? मेरे सुख के लिए, मेरे सेवा के लिए। केवल त्याग करता इतना ही नहीं है, बल्कि त्याग करके बल्कि वे नित्य निरंतर मेरे गुणों से मंडित विषय को, मेरे गुणों से सुसज्जित कथा को श्रवण करता रहता है, परस्पर आपस में कीर्तन करता रहता है। ऐसा मेरा जो भक्त है, बोलते क्या करता है वो, उस ऐसे भक्त को मेरे सेवा में निमज्जित होने के कारण उसको ये त्रिताप कभी भी नहीं सताता, त्रिताप का कोई भी कष्ट उसको अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि मेरे चरणों की सेवा में जो सुख है, मेरे मधुर मधुर लीला चरित्र कथा के श्रवण में जो आनंद है, मेरे भक्तों के संग में जो परम उल्लास है, उसके सामने ये संसार के महान से महान दुख कष्ट भी उसको लेस मात्र भी विचलित नहीं कर सकता, अनुभव भी नहीं हो सकता है। इसलिए संसार के ताप उसको कितने भी प्रयास करे उसको व्यथित नहीं कर पाती है। ऐसा साधु का गुण है, स्वरूप गुण और एक तटस्थ गुण। तो वहां पर भगवान कपिल देव माता देवोती को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि असत्संग को त्याग करके, अर्थात सर्वसंग संग विवर जीता, केवल मेरे भक्तों का ही संग करना, अन्य संग को त्याग करके ये समस्त गुणों में जो सुसंपन्न है, केवल भक्त का चोला धारण करने से नहीं, भक्त का वेश धारण करने से नहीं है। वहां बोलते हैं भगवान कि इस प्रकार के गुणों से जो संपन्न है, ऐसे साधु का, ऐसे भक्त का संग करना। किस प्रकार से संग करना? अलग अलग असद संग को, कुसंग को विवर्जित करके,
उतना ही नहीं, बोलती है धर्म अर्थ काम और मोक्षम, ये जो चार प्रकार के पुरुषार्थ शास्त्र में बताया है और जिन इन पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए ही संसार के लोग व्यस्त है, बोलते ये चार प्रकार के पुरुषार्थ से भी अपने आप को विनिर्मुक्त करना, इन पुरुषार्थों को प्राप्त करने की आसक्ति से भी शून्य होकर के रहित होकर के ऐसे साधुओं का संग करना। अगर इस प्रकार के साधु का संग करेंगे तब जाके असत संग करने से जो दोष होता है उस दोष को दूर करने में हम लोग समर्थ हो पाएंगे, अथवा ऐसे सत्संग ऐसे साधु संग ही असत संग के द्वारा जो दोष प्राप्त हुआ है उसको हरण करने में समर्थ होता है। इसलिए वहां कपिल देव भगवान कहते हैं हे माता, ऐसे साधु गुणों के संग करने के लिए आप आकांक्षा रखो, लोप रखो, प्रार्थना करो, क्योंकि इस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परिपूर्ण रूप से शरणागत भक्त है, कृष्ण ही को शरण जो साधु है, ऐसे कृष्ण ही को शरण साधुओं के प्रकृष्ट संग से क्या होता है। प्रकृष्ट रूप से संग का मतलब ये होता है, अभी जैसे हम लोगों ने श्रवण किया कि पुरुषार्थ चार प्रकार के पुरुषार्थों से आसक्ति शून्य होकर के समस्त प्रकार के असत संग को परित्याग करके पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ जब ऐसे साधुओं का संग होता है उसको कहते हैं प्रकृष्ट संग। तो ऐसे कृष्ण ही का शरण प्रकृष्ट साधुओं का संग करने से क्या होता है कि भगवान के महात्म्य से प्रकाशक जो सब गुण है उनके शुद्ध हृदय से बहिर्गत होने के कारण वे हमारे कानों को हमारे हृदय को रसित करके रस उत्प्रीतियुक्त करके भगवान के कथा में रमन करा देता है। और वास्तव में ऐसे साधुओं के संग से के द्वारा जो कथा हम लोग श्रवण करते हैं वे हमारे हृदय के अंदर में जितना भी विषय वासना है मलिनता है अनर्थ है वे सब अपने आप दूरीभूत हो जाता है और भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। जब अविद्या निवृत्ति हो जाता है तब भगवान के प्रति पहले श्रद्धा होता है, जब तक अविद्या रहेगा तब तक श्रद्धा नहीं हो सकता है। श्रद्धा नाम से अगर हम लोग दिखाना चाहेंगे कि देखो मेरा कितना श्रद्धा है केवल दिखाने के लिए, और प्रकृत श्रद्धा तभी तक नहीं होता है जब तक हम लोग इस प्रकार के संतों का संग नहीं करते हैं। इसलिए वहां कहते हैं ऐसे साधुओं के संग के द्वारा ऐसे साधुओं के मुख से भगवान के बीरजवती कथा का महात्म्य परिपूर्ण कथा को श्रवण करते करते हमारे हृदय की समस्त प्रकार के अविद्या का ग्रंथि दूरीभूत हो जाता है, अविद्या छूट जाता है और भगवान में भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो धीरे धीरे रति और भाव भक्ति में परिणत होकर के प्रेम भक्ति को उदय कराने में समर्थ होता है।
जिस प्रेम भक्ति को प्राप्त करना ही, जिस कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करना ही साधक का चरम और परम उद्देश्य है, लक्ष्य है। वो कहाँ से प्राप्त होता है? कृष्ण ही का शरण संतों के संग के द्वारा ही होता है। इसलिए साधु संग को वर्जन करके अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपने साधन के द्वारा, मैं अपनी तपस्या के द्वारा, मैं अपनी विद्वता के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त कर लूंगा, ऐसा सोचे वे तो उसके केवल मात्र कोरी कल्पना ही रह जाएगा। उसके द्वारा वे कभी भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जो साधुओं ने उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है, कृष्ण प्रेम रूप रस का आस्वादन किया है, ऐसे संतों के संग करेंगे, ऐसे संतों के मुख से भगवत कथा को श्रवण करेंगे, तब जाके वे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का अधिकारी हो सकेंगे। इसलिए शुद्ध प्रेम उदय होने का क्या क्रम है उसको बताया है चैतन्य चरितामृत में कि कौन भाग्य कौन जीवेर श्रद्धा जदि है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग प्रपत्ति, बोलते बहु बहु जन्मों के भाग्य का पुंज जब एकत्रित होता है तब जाके हमको शुद्ध साधुओं का संग करने को अवसर मिलता है। इसलिए बताते हैं भाग्य क्रम के अनुसार किस प्रकार के भाग्य बताते हैं। वहां पर भक्ति उन्मुखी सुकृति के बल के द्वारा जिसके हृदय में भक्ति उन्मुखी सुकृति है, उस भक्ति उन्मुखी सुकृति के द्वारा अगर भक्ति उन्मुखी सुकृति मतलब साधु संघ के प्रति जिसके हृदय में एक लालसा है, लोभ है, श्रद्धा है, विश्वास है, क्योंकि काल हम लोग ने श्रवण किया है कृष्ण भक्ति मूल वही साधु संघ। कृष्ण भक्ति का जन्म कहाँ से होता है? साधु संघ से होता है। इसलिए कृष्ण उन्मुखी सुकृति जब होगा तब उस जीव के हृदय में श्रद्धा जागृत होगा और वही श्रद्धा को लेकर के वे साधु संग करता है, तभी सही जीव साधु संग करे। अश्रद्धा से अगर हम लोग साधु के मुख से कथा श्रवण करेंगे प्रकृष्ट साधु के संग में भी, प्रकृष्ट साधु के मुख से भी अगर हम अश्रद्धा होकर के श्रद्धाहीन होकर के अगर कथा श्रवण करेंगे वे भी हमें कोई विशेष मंगल प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए श्रद्धा युक्त होकर के श्रवण करना चाहिए। विशेष रूप से भक्ति के प्रत्येक क्रिया, जैसे काल हम लोगों ने श्रवण किया कि ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग से लेकर रात्रि शयन पर्यंत भक्त का जितना भी कार्य है, जितना भी कर्तव्य है, जितना भी क्रिया है, वे सब के सब क्रिया भक्तियुक्त है और भक्तियुक्त होने के कारण वे परम श्रद्धा से साथ युक्त होना चाहिए। अश्रद्धा को लेकर के अगर हम यहाँ कथा श्रवण करें, अश्रद्धा को लेकर के यहाँ हम सेवा करें तो उसका कोई फल मिलेगा नहीं, भरम उसका अपराध ही होता है। इसलिए श्रद्धा शब्दे कहे सुदृढ़ विश्वास। जब तक भगवान के प्रति, भगवत नाम के प्रति, भगवत भक्तों के प्रति सुदृढ़ विश्वास नहीं है तब तक तुम्हारा ये श्रद्धा केवल दिखावा मात्र है। और ऐसे दिखावा मात्र श्रद्धा को लेकर के आप भक्ति के पथ पे कभी भी अग्रसर नहीं हो सकते हैं। हालांकि अधिकांश लोग चाहे वो गृही हो चाहे गृह त्यागी हो, अपने आप को एक प्रतिष्ठा की स्थिति में लाने के लिए
अपने को दिखाने के लिए श्रेष्ठ वैष्णवों के सामने, गुरुजनों के सामने, गुरुवर्गों के सामने, जहाँ पर विशेष अनुष्ठान होता है, अत्यधिक लोगों का जहाँ भीड़ भाड़ होता है, वहाँ पर अपने प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए लोग आगे आते हैं। हम करेंगे, हम जानते हैं, हम ये करेंगे, बाकी टाइम में फुस। वो केवल कोरी कल्पना से युक्त श्रद्धा है, ऐसे श्रद्धा विशेष हमारा मंगल नहीं कर सकता है। इसलिए वहां कहते हैं बल्कि साधु संग होते श्रवण कीर्तन श्रवणाद्य हो सर्वानर्थन। बल्कि जब हम परम श्रद्धा युक्त होकर के उन साधु संग करेंगे, तब उन साधु संग के द्वारा ही हमारा श्रवण कीर्तन हो सकता है। स्वयं के हमारा इतना बल नहीं है कि हम लोग हरि कीर्तन कर सके। एकाकी अमार नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन है। हरिनाम संकीर्तन करने के लिए हमारा स्वयं के बल विद्वता शक्ति को लेकर के हम लोग कितना भी डिंगे मारे नहीं कर सकते हैं। इसलिए साधुओं के श्रद्धायुक्त संग ही हमको प्रकृष्ट रूप से श्रवण कीर्तन कराता है। और यही श्रवण कीर्तन साधुओं के संग के द्वारा जो श्रवण कीर्तन होता है, श्रवण कीर्तन मतलब साधन भक्ति का जजन किया जाता है। बोलते यही साधन भक्ति, यही श्रवण कीर्तन समस्त प्रकार के अनर्थों को नाश करने में समर्थ होता है। सर्वानर्थ नाश, समस्त प्रकार के अनर्थ यह श्रवण कीर्तन से ही नाश हो जाता है। और जब अनर्थ नाश हो जाता है तब क्या होता है? तब जाके निष्ठा होता है। अनर्थ से युक्त होकर के आप कभी निष्ठित स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते हो। श्रवण कीर्तन करते करते उनके प्रति हमारा निष्ठा होता है। उससे पहले अनर्थ निवृत्ति युक्त होकर के निष्ठा, और यही निष्ठा के साथ अगर हम श्रवण करेंगे, निष्ठा होते श्रवणाद्य रुचि उपजे, तभी रुचि होगा। नहीं नहीं जी, चलो यहाँ 45 मिनट एक घंटा कथा होता है, ठीक है, आश्रम में रह रहे हैं तो थोड़ा सा बैठना चाहिए हैं? लेकिन अंदर से कोई श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है। अगर नहीं बैठेंगे तो बोलेंगे देखो कथा में भी नहीं बैठता है। भगवान को जीवन देने के लिए मठ में आया, भगवान को सेवा करने के लिए मठ में आया। कितना सेवा करते हैं हम लोग? किसी का एक घंटा का सेवा है, किसी का 45 मिनट का सेवा है, उससे ज्यादा सेवा किसी का नहीं है। हमारे पास 24 घंटा है, लेकिन उसमें भी एक घंटा 45 मिनट हरि कथा में हैं, पाठ कीर्तन में बैठने के लिए हमारा समय नहीं है। अरे समय मत दो, निष्ठा मत दो, रुचि मत दो, श्रद्धा मत दो, कम से कम एक नियम के लिए तो बैठ जाओ। वो भी नहीं, नहीं जी नहीं, हम दूसरे काम में व्यस्त है, हम नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं, एक मठ का, एक आश्रम का एक नियम होता है कि विशेष सेवा उसका यही है कि मठंति बसंती छात्रा, छात्रगण ही मठ में वास करते हैं। और ये जो कथा होता है यही हमारा क्लास है, यही हमारा पाठ है, यही हमारा छात्र के जो कर्तव्य पालन करने का समय है। जिस प्रकार से क्लास में जागतिक विद्या के स्कूल के क्लास में साइंस का क्लास होता है, मैथ का क्लास होता है, पॉल साइंस का क्लास होता है, अपने अपने सब्जेक्ट का क्लास होने के टाइम में पहले से जाके हम लोग बैठ जाते हैं, लेकिन एब्सेंस रहने से अध्यापक लेक्चरर कहता है कि तुमने क्यों नहीं आया। वो तो जागतिक विद्या के लिए हम लोग इतना प्रयास करते हैं, लेकिन पारमार्थिक विद्या में हमारा लोभ नहीं है, रुचि नहीं है, इसलिए हम तो समय पास करने के लिए आए हैं। क्या जरूरत है हमको यहाँ पारमार्थिक विद्या अर्जन करने का? इसलिए कोई रुचि नहीं है। जब तक
हरि कथा श्रवण नहीं करेंगे, जब तक साधुओं के संग में श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा। अनर्थों को लेकर के आप कभी भी भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकते हो। अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा तो तुम्हारा निष्ठा नहीं होगा, निष्ठा नहीं होने से रुचि नहीं होगा। जो रुचि की हम लोगों को हमारे इष्ट के प्रति, हमारे आराध्य के प्रति आसक्ति प्रदान करता है, यही आसक्ति को प्राप्त करने के लिए ही तो हमारा यहाँ साधन है। भगवान की सेवा के प्रति, भगवान के कथा के प्रति, भक्तों के मुख से भगवत कथा के प्रति आसक्त होने के लिए ही तो हमारा मठवास है। नहीं तो घर में भी हम लोग कर सकते हरि नाम। इसलिए हरि कथा के प्रति जिसका लोभ नहीं जागरण हुआ, आसक्ति जागरण नहीं हुआ, उसका जीवन तो बेकार है। क्योंकि यही आसक्ति हमारे चित्त में श्री कृष्ण के प्रति प्रीति उत्पादन करने का ये एक मूल स्थान है। प्रीत्यंकुर का मूल है आसक्ति, और यही आसक्ति अर्थात यही रुचि जब गाढ़ हो जाता है तब जाके वो चिर अभिलाषित पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्राप्त कर सकता है। सही प्रेमा प्रयोजन सर्वानंद धाम, जो प्रेम की हमारा प्रयोजन है, जिस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए हम लोग घर बार माता पिता स्वजन बंधु बांधव कर्म कर्तव्य सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए हैं, तो उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए अगर हम चेष्टा नहीं करेंगे तो हम लोग आत्मघाती है। सैव आत्मा, इसलिए कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है, ऐसे शुद्ध भक्तों के, शुद्ध साधुओं, भक्त साधुओं के संग के द्वारा जितना भी अशुभ है, अशुभ दुर्बुद्ध होकर के परम शुभ युक्त प्रेम संपद प्राप्ति होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलते ठीक इसके विपरीत असत संग है। तो ऐसे साधुओं का संग करना, ऐसे वैष्णवों का संग करना, ऐसे वैष्णवों के कृष्णई को शरण साधुओं के मुख से हरिकथा श्रवण करना, बोलते यही वैष्णव सदाचार है। अगर हम वैष्णव यही सदाचार में प्रतिष्ठित नहीं हुए तो हम कभी भी अपने आप को वैष्णव बोल के अभिमान नहीं कर सकते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि अवैष्णव का संग त्याग करना ही वैष्णव सदाचार है। अवैष्णव संग त्याग परित्याग करना ही वैष्णव सदाचार है। अवैष्णव मतलब क्या है? स्त्री संगी और कृष्ण का अभक्त। अवैष्णव जो है दो प्रकार के होता है, असत संग दो प्रकार का, एक स्त्री संगी और एक कृष्ण अभक्त जो भक्त नहीं है। स्त्री संग भी द्वि प्रकार का बताता है, एक शास्त्र में जिस प्रकार से विवाह आदि कर करके स्त्री संग करने का बता, जिसको वैद धर्म पर कहते हैं। बोलते वैद धर्म पर अर्थात शास्त्र वेद अनुजाई जो लोग स्त्री संग करते हैं उनका भी संग नहीं करना, और जो अवैध स्त्री संग करता है, अधर्म पर स्त्री संग करता है, उसका तो सपने में भी संग नहीं करना। अवैध स्त्री संग के द्वारा क्या होता है? नरक प्राप्ति होता है। उसके संग करने वाले को भी वही गति होता है। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति वैष्णव वेश में रहते हुए भी अगर पापाचरण करता है
अवैष्णवोचित कार्य करता है वो कभी भी वो व्यक्ति वैष्णव नाम के अयोग्य है। उस व्यक्ति के सामने वैष्णव कभी लगा नहीं जा सकता है। इसलिए धर्म अर्थ काम ये जो तीन प्रकार के त्रिवर्ग हैं ये स्त्री संगरूप अवैष्णव आचार के द्वारा प्रेरित होता है, अबद्ध है। लेकिन और एक पुरुषार्थ रह गया, क्या? मोक्ष, मुक्ति कामी। ये जो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष है ये तो उस प्रकार से स्त्री संगी और अभक्त रूप जो संघ है उससे भी और अधिक खतरनाक है। किसका? मोक्षकामी व्यक्ति का संग करना। मोक्षकामी व्यक्ति का इसलिए संग करना अधिक विपत्त युक्त बताया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति विमुखता होने के कारण वे मोक्षाभिलाषी है। तो श्री कृष्ण से विमुख व्यक्ति अधिक विपत्त संकुल है। किससे? स्त्री संगी से भी अधिक विपद संकुल है। अवैष्णव है और उससे भी अधिक वो निम्न स्तर के है, अति है जिसके हृदय में मोक्ष प्राप्त करने के प्रति लालसा है। इसलिए मायावादी का संग और माया में विलास करने वाला का संग बोलते दोनों ही अवैष्णव है, दोनों ही अवैष्णव संग है। ये दोनों ही संग शुद्ध भक्ति को नाश करने का कारण होता है, मायावादी का संग और जो लोग माया का विलासी है। माया का विलास मतलब स्त्री संग, ये दोनों का संग भक्ति को नाश करने वाला है। क्यों? क्योंकि मायावादी वे मुमुक्षु होता है। मुमुक्षु मतलब मुक्तिकामी होता है, मोक्षकामी होता है। तो मोक्ष रूप फल को भोग करने के लिए वो व्यक्ति क्या करता है? जड़ भोग त्याग कर लेता है। जड़ भोग को इसलिए त्याग करता है कि अपने आत्मा के उत्कर्षता को प्राप्त करके वे मोक्ष रूप फल को प्राप्त करेगा। और मोक्ष रूप फल को प्राप्त करने का इच्छा रखने का मतलब भक्त और भगवान से हमेशा के लिए विच्युत हो जाना। और एक स्त्री संगी है, इसको कहते हैं बुभुक्षु, भुक्ति चाहने वाला, भोग चाहने वाला। बोलते चाहे वे मुमुक्षु हो चाहे वो बुभुक्षु हो, ये सब के सब अपनी अपनी ये जड़ इंद्रिय को तर्पण करने के लिए हमेशा अन्वेषण करते रहते हैं। क्या अन्वेषण करते रहते हैं? कापट्य धर्म का, कैतव पूर्ण धर्म का, कैपट पूर्ण आचरण का अन्वेषण करने के कारण वे कभी भी भक्त भागवत का अनुशीलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का कथा हमेशा कापट्य धर्म से रहित है। धर्म प्रज्ञितो कैतव अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम, निर्मत सर साधुओं का, कृष्णैक शरण साधुओं का एकमात्र आचरण युक्त होता है भगवती कथा। जिस भगवती कथा में लेश मात्र भी कापट्यता नहीं है, इसलिए ऐसे कापट्य रहित प्रसंग में इन लोगों का रुचि नहीं होता। क्योंकि अगर उसमें वो लोग विश्वास करेंगे, रुचि रखेंगे, तो अपनी जड़ इंद्रिय को तर्पण करने में उनको प्रत्येक पल में बाधा उत्पन्न होगा। इसलिए वैष्णव सदाचार के अंदर में क्या है?
कृष्ण ही का शरण भक्तों के संतों के संग करके उनके मुख से भगवान के बीरजवती कथा को श्रवण करके प्रेम पुरुषार्थ को प्राप्त करने का जो प्रयास है, यही ही हमारा वैष्णव सदाचार है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।